जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 19 मार्च को सेकंड शिफ्ट में जो एमपीटेट वर्ग 3 का एनालिसिस है वह लेकर आए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं तो चलिए देख लेते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है, अधिगम संबंध है क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो राइट आंसर था अनुक्रिया उद्दीपक, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था किसके द्वारा, किसके द्वारा पहचाना गया था ये पूछा गया था। तो राइट आंसर था 2 का विकल्प नंबर डी, यानी कि जीन प्याजे जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि गेस्ट टॉल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो किसी विशेष भाग के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर, या समग्रता के आधार पर, या आवश्यकता के अनुरूप। तो राइट आंसर था समग्रता के आधार पर, विकल्प नंबर सी राइट आंसर था। अल्प व्यक्त बच्चों के अधिगम में भावकों की भूमिका होनी चाहिए, कैसी भूमिका होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए। तो अग्र सक्रिय आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि थार्नडाइक और गुथरी पावलोव स्किनर ने अधिगम की परिभाषा दी है व्यवहार के आधार पर, दार्शनिकता के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर, या कार्यात्मकता के आधार पर। तो राइट आंसर था कि व्यवहार के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, रूसो ने अधिगम की व्याख्या किस आधार पर की है। तो रूसो ने पूछा था, राइट आंसर था दार्शनिक यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, किस व्यवहारवादी का मानना है, वाटसन, स्किनर, गुथरी या थार्नडाइक। तो राइट आंसर था विकल्प नंबर बी, यानी कि स्किनर सही आंसर था, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है, नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सही आंसर था विकल्प नंबर 1, कांटा लगने पर पैर हटाना, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और राइट आंसर था कि सामूहिकता की भावना, बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। करके सीखने का विचार दिया है जॉन डीबी स्किनर, मेसला या लेविन ने। तो सही आंसर था करके सीखने का जो विचार दिया है जॉन डीबी ने दिया है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन बताना था कि सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन था कौन सा कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये कथन जो है सत्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, बी एफ स्किनर ने अधिगम में मूल किसे माना, पुस्तक को, कार्य को, याचना को, या अभिप्रेरणा को। राइट आंसर था अभिप्रेरणा, यानी कि विकल्प नंबर डी अभिप्रेरणा को सही आंसर है। मानव जाति में भी कौन से व्यक्तित्व निर्धारित तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और सही आंसर था इसका कि अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतर्क्रिया राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। तो 15 का सही आंसर था विकल्प नंबर डी राइट आंसर था, उपर्युक्त सभी आपका यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। तो राइट आंसर था कि समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत और साहित्य में उपयोगी किसने माना है, उपयोगी किसने माना है 17 में ये पूछा गया था। तो राइट आंसर था क्रो आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 था, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है,
ये कहा है किस नो ने, हल। हल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु खालिस्तान होगी 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो सही आंसर था कि उसकी आयु होगी 12 वर्ष, यानी कि विकल्प नंबर आपका ये जो है वह आपका सही आंसर होगा, 12 वर्ष राइट आंसर है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन थे आपके जो कि 19 मार्च को पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।